दोस्तों, आज की दुनिया मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंस की दुनिया है, क्योंकि साइंस की दुनिया में रोजाना ना जाने कितने सारे आविष्कार किए जाते हैं। हालांकि रोजाना आविष्कार होने का मतलब ये नहीं कि हर नया आविष्कार सफल हो, क्योंकि वैज्ञानिकों के हाथ कभी कभी असफलता भी लगती है। लेकिन तमाम असफलताओं के बावजूद भी आज दुनिया भर के वैज्ञानिक बहुत सी ऐसी नई तकनीकें इजाद करने में लगे हैं, जो अगर काम कर गई तो इनसे दुनिया पूरी तरह से बदल ही जाएगी। तो चलिए जानते हैं इन्हीं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में। नंबर वाटर बाइक्स। क्या आप जानते हैं कि जल्द ही आप पानी पर भी बाइक्स को चला सकेंगे? लेकिन दुनिया की जो पहली वाटर बाइक है वो असल में आपको साइकिलिंग एक्सपीरियंस देगी। इसे फॉलिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है, जिसके फॉइल्स को भी कार्बन फाइबर्स के द्वारा बनाया गया है। इसके साथ ही इसकी बॉडी को एयरक्राफ्ट में उपयोग होने वाली एल्यूमिनियम के द्वारा बनाया गया है। आपको बता दें कि इसमें 7 बैटरी असिस्ट मोड है, जो पूरे सिस्टम को 450 वाट तक की एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसे न्यूजीलैंड की एक कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इस मॉडल का नाम 5 हाइड्रोफॉयलर XE1 है, जो वाकई में बहुत गजब इन्वेंशन है। नंबर 9, एयर टैक्सी। आपने जमीन पर चलती हुई टैक्सी को तो देखा होगा, पर कभी आपने हवाई टैक्सी या एयर टैक्सी को देखा है? जी हाँ, अब आप ऐसे ही हवा में उड़ती हुई टैक्सी को कुछ समय बाद अपने आसपास देख सकेंगे। दरअसल कार मैन्युफैक्चरर कंपनी ह्युंडई ने एक टैक्सी मैनेजमेंट कंपनी उबेर के साथ एक एयर टैक्सी बनाने की बात कही है, जिसका नाम SA1 है, जो कि एक इलेक्ट्रिक विमान है और ये हेलीकॉप्टर की तरह ही वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करेगा। ये छोटी शहरी यात्राओं के लिए डिजाइन किया गया है, जिसकी स्पीड 290 किलोमीटर प्रति घंटे बताई जा रही है और ये आसमान में 1000 से 2000 फीट की ऊंचाई तक जा सकती है। इसके साथ ही ये एक बार में लगभग 100 किलोमीटर तक यात्रा कर सकती है। आपको बता दें कि इसको चार्ज होने में लगभग 5 से 7 मिनट का समय लगेगा, जिससे कि लोगों का काफी समय बचेगा और हमारे पर्यावरण की सुरक्षा भी बढ़ जाएगी। वीडियो के साथ आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगी बेल को भी दबाकर ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। नंबर 8, फोल्डिमेट। क्या आपको भी कपड़े फोल्ड करना एक बोरिंग काम लगता है? अगर हाँ, तो ये मशीन आपके लिए ही है। इस रिवोल्यूशनरी मशीन का इन्वेंशन इजराइल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर गैल रोजोव ने किया है, जिनका मानना है कि फोल्डिंग लॉन्ड्री एक थकाऊ काम है, जिसे रोबोट द्वारा प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। आपको बता दें कि साल 2010 में रोजोव ने अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपर की सरकारी नौकरी छोड़ दी और कपड़े घड़ी यानी कि फोल्डिंग मशीन को विकसित करने में करीब 2 साल बिताए, जिसके बाद साल 2013 में वो इस मशीन को पेटेंट करने के लिए अपनी रोबोट टीम के साथ USA चले गए, जहां पर उन्होंने इसको पेटेंट कराया। वर्ष 2016 तक उन्होंने इसका एक प्रोटोटाइप तैयार किया, जिसका इन्होंने साल 2017 में एडवर्टीजमेंट किया और इसके बाद से ही इस पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया गया, जिसके बाद से ये बहुत ही ज्यादा फेमस मशीन बन गई, जिसे आज फोल्डिमेट नाम से जाना जाता है। फोल्डिमेट एक आम वॉशिंग मशीन से काफी बड़ी होती है और डेवलपर्स के मुताबिक ये 4 मिनट में फुल वॉश को फोल्ड कर सकती है। नंबर 7, ह्यूमन हाइबरनेशन पोर्ट्स। दोस्तों, हाइबरनेशन भविष्य में होने वाले बेहद ही लंबे स्पेस ट्रेवल्स में काफी ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम इंसानों को कम से कम फूड या दूसरे रिसोर्सेज की मदद से कई सालों तक एक तरह के डीप स्लिप में रख सकते हैं। इसके साथ ही स्पेस ट्रेवल के दौरान इंसानों द्वारा खाए जाने वाले फूड और दूसरे रिसोर्सेज को हम काफी कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम अपने स्पेस शिप में ज्यादा से ज्यादा फ्यूल रख सकते हैं, जो कि हमारी स्पेस की रीच को काफी हद तक बढ़ा देगा। आपको बता दें कि हाइबरनेशन की मदद से एस्ट्रोनॉट स्पेस ट्रेवल में होने वाले खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस, मसल लॉस और बोन लॉस जैसी समस्याओं से भी अपने आप को बचा पाएंगे। लेकिन अगर इस टेक्नोलॉजी को धरती पर रखते हुए संभव बनाना है, तो इसके लिए एक तरह की पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें हाइबरनेशन पोर्ट्स कहा जाता है और इन पर साइंटिस्ट्स लगातार काम कर रहे हैं। नंबर 6, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ह्यूमंस के शरीर के अंगों को प्रिजर्व करके कैसे रखा जाता होगा? अगर नहीं, तो आपको बता दें कि क्रायो प्रिजर्वेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम ऑर्गेनल्स, सेल्स, टिश्यूज, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, ऑर्गन्स और कई चीजों को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। दरअसल उन्हें बहुत कम टेम्परेचर पर प्रिजर्व करके रखा जाता है। ये टेम्परेचर लगभग -80 डिग्री सेल्सियस से -190 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिसके लिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड और लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग मिली जाती है। ऐसा माना जाता है कि सेल्स को बहुत कम टेम्परेचर पर प्रिजर्व
करने से ये बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 1967 में कैंसर से हुई मौत के कुछ घंटों बाद भविष्य में वापस जिंदा होने की आशा से एक बॉडी कायरो प्रिजर्वेशन के लिए रखी गई थी, जो जेम्स बेडफोर्ड की थी, जो आज तक सुरक्षित है। इसके साथ ही आज दुनिया भर में 250 से ज्यादा बॉडीज को कायरो प्रिजर्वेशन के तहत रखा गया है। नंबर 5 इज लग्जरी स्पेस बलून्स। दोस्तों, फ्लोरिडा की एक कंपनी हॉट एयर बलून के एक हाईटेक वर्जन से यात्रियों को अंतरिक्ष के किनारे तक ले जाने की योजना बना रही है। इस बलून से जुड़े कैप्सूल में एक पायलट के अलावा 8 यात्रियों के बैठने की जगह होगी, जिन्हें एक प्रेशराइज्ड कैप्सूल में बैठाकर अंतरिक्ष के मुंह तक यानी करीब 20 माइल की ऊंचाई तक लेकर जाया जाएगा। इस बलून से जुड़े कैप्सूल का डायमीटर 5 मीटर का होगा, जबकि इसके ऊपर लगे बलून का डायमीटर 100 मीटर का होगा। आपको बता दें कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की कंपनी स्पेस प्रस्पेक्टिव साल 2024 की शुरुआत में अपना पहला मिशन लॉन्च करने की योजना बना रही है, और इस कंपनी ने तो शुरुआती उड़ानों के लिए रिजर्वेशन भी शुरू कर दिए हैं। इस कंपनी के जरिए आपको स्पेस ट्रैवल करने पर $1,25,000 यानी करीब 92,77,131 रुपयों का किराया देना होगा। इसके भारी भरकम किराए को देखते हुए केवल कुछ लोग ही बलून की सवारी कर पाएंगे। नंबर 4 इंजेक्टेबल ब्रेन रोबोट्स। दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कैलिफोर्निया की एक कंपनी बायनॉट्स लैब ने एक ऐसा माइक्रो रोबोट बनाकर तैयार किया है, जो ह्यूमंस के ब्रेन के अंदर जाकर उनकी बीमारियों का पता लगाने में और उनके इलाज में सहायता करेगा। आपको बता दें कि ये खासतौर से मेंटल डिसऑर्डर और ब्रेन स्ट्रोक जैसे कैंसर और ट्यूमर्स जैसी कई जानलेवा बीमारियों का इलाज करने में सहायता करेगा। इसका ट्रायल पहले ही भेड़ों और सूअरों पर किया जा चुका है। इसके अब तक सामने आए नतीजों से ये पता चलता है कि ये ह्यूमन ट्रायल के लिए भी तैयार है। बुलेट से भी छोटे इन माइक्रो रोबोट्स को इंजेक्शन की मदद से पहले इंसान में पहुंचाया जाएगा और बाद में मैग्नेटिक एनर्जी की मदद से ब्रेन तक ले जाया जाएगा। आपको जानकारी दे दे कि इन रोबोट्स को दिमाग की ओर भेजने के लिए अल्ट्रासोनिक या ऑप्टिकल एनर्जी की जगह मैग्नेटिक एनर्जी का इस्तेमाल किया गया है, जो कि शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। नंबर 3 फ्लूड प्रूफ हाउस। दोस्तों, अक्सर बाढ़ आने पर लोगों के घरों में पानी आ जाता है, जो कि पूरे वर्ल्ड के होम डिजाइनर्स और आर्किटेक्ट के लिए एक सर दर्द बना हुआ है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जैपनीज कंपनी ने एक ऐसे घर को डिजाइन किया है, जिससे कि फ्लड इफेक्टेड देशों की समस्याओं को हल करने में मदद मिलेगी। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये घर एक सामान्य घर के जैसा ही दिखता है, लेकिन जैसे ही इस घर के चारों तरफ पानी भरने लगता है तो ये घर पानी पर तैरने लगता है। ये घर लोहे की मोटी मोटी केबल्स के द्वारा जमीन से जुड़ा होता है, जो बाढ़ आने पर घर को ऊपर की ओर छोड़ देता है और बाढ़ खत्म होने पर इसे वापस जमीन पर चिपका देता है। आपको शायद ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये घर जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठ सकता है। नंबर 2 रोबोट किचन। क्या आपने कभी एक ऐसे किचन के बारे में सोचा है जिसमें आप बस एक सिंगल टच करें और आपका पूरा खाना बन जाए? चलिए जानते हैं ऐसे ही एक मशीन के बारे में। इस मशीन को एक लंदन बेस्ड कंपनी ने बनाया है, जो कि लगभग 5,000 से ज्यादा रेसिपीज को बना सकती है। इस रोबोटिक किचन को बनाने में लगभग 6 साल का समय लगा। आपको बता दें कि इसमें 2 रोबोटिक आर्म्स होते हैं, जो कि किचन की छत पर ग्लीडर ट्रैक से जुड़े हुए होते हैं, जो कि किचन में अलग अलग काम करने में सहायक होते हैं। आपको इससे जो भी रेसिपीज बनानी है उसको इसकी मेमोरी में सेट करना होता है और ये अपने काम पर लग जाती है, और ये किचन के लगभग सारे काम जैसे बर्तन को उठाना और रखना सभी कर लेती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मशीन किचन का सारा काम करने के बाद उसको क्लीन भी कर सकती है, और ये रोबोटिक आर्म बनाते हाइजीन का भी ध्यान रखती है। नंबर 1 रोबोट मेंटेनेंस वर्कर। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे रोबोट को देखा है जो कि बड़े बड़े काम बड़ी ही आसानी से कर देता है? अगर नहीं तो चलिए आपको दिखाते हैं। इस रोबोट को वेस्ट जापान रेल कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जो कि मरम्मत और कई तरह के काम कर सकता है। जिन कामों को मनुष्य के लिए बहुत खतरनाक माना जाता है, उन कामों को भी ये रोबोट बड़ी ही आसानी से कर सकता है। ये लोकेशन को ट्रैक कर उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां इसे मरम्मत करनी होती है, फिर वो वहां अपने पैरों को नीचे खड़ा कर अपना काम शुरू करता है और इस तरह ये काम करता है। आपको जानकारी दे दे कि वर्चुअल रियलिटी की मदद से इसके हाथों और पैरों को कंट्रोल किया जाता है। ये रोबोट जमीन से लगभग 30 से 40 फीट ऊपर तक मरम्मत कर सकता है, और ये एक बार में 80 से 90 पाउंड तक वजन उठा सकता है। फ्यूचर में ये कंपनी इस रोबोट के साथ कई और डेंजरस ट्रायल्स करने वाली है। तो ये थे कुछ शानदार आविष्कार जो हमारी दुनिया ही बदल सकते हैं। आपको उनमें से कौन सा आविष्कार सबसे बेहतरीन लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।